आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। पौड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत विकास खंड सिरखु में गढ़वाल और मुसोली गांव का ड्रोन सर्वे किया। जिलाधिकारी ने पटवारी चौकी चलंड से सिरखु का निरीक्षण भी किया। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि सर्वे के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने खंड विकास अधिकारी से संबंधित गांवों के परिवारों की जानकारी भी ली। विकास नगर में ड्रोन तकनीकी का सफल परीक्षण पर प्रदर्शन किया गया है। इस मौके पर ढकरानी कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों के साथ स्थानीय काश्तकार भी मौजूद रहे। ढकरानी वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. शर्मा ने कहा कि कृषि ड्रोन तकनीक से उत्तराखंड में भी कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। कृषि वैज्ञानिक अशोक कुमार शर्मा ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं कि कृषि ड्रोन तकनीक के बारे में अशोक कुमार शर्मा ने क्या कुछ कहा। कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए यहाँ पर ड्रोन का वो किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है। ड्रोन से तकनीकी कृषि क्षेत्र को संभव बनाने के लिए यहाँ पे आज विकास नगर ढकरानी केंद्र में एक ड्रोन लाया गया है और देखा जा रहा है कि ड्रोन जो है कैसे कृषि क्षेत्र काश्तकारों की जो समस्या है उसको सुलभ करेगी। यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे प्रभारी हैं, ये उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो ड्रोन है ये कितनी क्या काश्तकारों की जो जीवनचर्या है, काश्तकारी है, कितने सुलभ कर पाएगा ये ड्रोन। बताइए सर, क्या ये ड्रोन कितना लाभदायक है? नमस्कार किसान भाइयों, आज कृषि विज्ञान केंद्र परिसर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है और ये ड्रोन हमारे जो परंपरागत हमारी जो खेती है उसमें किसी तरह से इसकी भूमिका रहने वाली है, इस विषय पे विस्तृत चर्चा भी हुई और इस तरह के यंत्र का यहाँ पे प्रदर्शन भी हुआ। तो कितना लाभदायक होता है सर ड्रोन? ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये उन किसानों के लिए, उन काश्तकारों के लिए बहुत उपयोगी है जिनके बड़े बड़े बाग हैं, या उन किसानों के लिए अच्छा है जिनके सेब के बाग है, और उन किसानों के लिए जिनके पास शुगर केन जो फसल बहुत ऊंची होती है, जहाँ पे आप किसी भी बीमारी को और किसी भी कीड़े मकोड़ों को रोकथाम के लिए आप पे बहुत मुश्किल आती है, ऐसी परिस्थिति में इन ड्रोन का इस्तेमाल बहुत उपयोगी पाया गया है। इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या क्रांति आई? और इससे हमें जो मुख्यतः आसानी ये रहेगी कि जो हमारी फिक्स कॉस्ट है, भारत सरकार के द्वारा एक परियोजना के अंतर्गत ये संस्थागत किसी भी एक संस्था को एक ड्रोन दे दिया जाएगा जिसको कस्टम हायर बेसिस पे किसानों को एक घंटे के लिए, दो घंटे के लिए दिया जाएगा। और इस ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बिजली से और बैटरी से चलने वाला यंत्र है और इसको एक आदमी ऑपरेट करता है और लगभग इसमें 15 लीटर की एक टंकी रहती है और आधे घंटे के लिए ड्रोन उड़ता है और ये हमारा लगभग जो तो ये 1 एकड़ से 2 एकड़ एरिया के लिए या 3 एकड़ एरिया के लिए भी कई बार ये बड़े माइन्यूट पार्टिकल से इसका स्प्रे होता है, इसका स्प्रे, और इसका स्प्रे जो तो हमारा ज़्यादा एरिया के लिए इसके एकरेज रहती है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और भविष्य में इसको प्रैक्टिकल रूप को देखना भी जो अनिवार्य है, अभी तो ये संस्थागत चीज़ें हैं, इसको प्रैक्टिकल फील्ड पे इसके बहुत सारे पहले भी कई तरह के प्रदर्शन हुए हैं जिसमें हमें आशातीत परिणाम आए हैं और इसी चीज़ को देखते हुए इस चीज़ का विस्तृत प्रचार प्रसार हो रहा है। और इस टेक्नोलॉजी को, ये बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है, निश्चित रूप से महंगी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसको आसान करने के लिए इसको कस्टम हायर बेसिस पे संस्था का दिया जा रहा है और किसानों की लेबर जो छिड़काव की होती है उस पर आपको निश्चित रूप से हमें इसमें लेबर जो तो सस्ता बैठेगा। हाँ, सचमुच उत्तराखंड क्षेत्र में या पर्वतीय हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो, काश्तकारी क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में एक क्रांति आएगी। अब देखना है कि जो ड्रोन यहाँ पर लाया जा रहा है उसकी तकनीकी कैसे जो है सक्षम होती है, कैसे सफल होती है, कैसे कृषि क्षेत्र में क्रांति लाती है, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। उत्तराखंड से प्राइम टीवी न्यूज चैनल है विनोद ओथान की ये रिपोर्ट। टनकपुर के मनिहार गोठ गांव में खनिज भंडारण का विरोध कर रहे ग्रामीणों का आंदोलन खत्म हो गया है। खनिज भंडारण का काम आबादी रहित क्षेत्र में चल रहा है जिसकी वजह से ग्रामीणों को सड़क पार करते समय किसी अनहोनी होने का डर बना रहता है। ग्रामीणों ने खनिज भंडारण के कार्य पर नाराजगी व्यक्त की है। मौके पर पहुंचे SDM हिमांशु
कफलटिया ने ग्रामीणों और खनन व्यवसायियों से बात करके दोनों का समझौता कराया। आज सुबह अभी आधे घंटे पहले एसडीएम सर आए थे तो हमारी यही बात हुई, हम लोगों ने भी गांव वालों ने ये डिसाइड किया कि एक टाइम से ये लोग डालें, जैसे सुबह 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक है, धूल कम होनी चाहिए, आवाज़ कम होनी चाहिए, थोड़ा बच्चों को जो है पढ़ने के लिए डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी एसडीएम सर से बात हुई है तो एसडीएम सर ने यही बोला है कि ये जो आपके आपके हिसाब से जो आपने बोला है वो उसी तरीके से ये लोग काम करेंगे। सेकंड थिंग, सारी की सारी चीज़ें हमें जो है रिटर्न में दी जाएगी और नेक्स्ट जो है इनका जो है ये टाइम मई तक इनके पास है। मई के बाद जो है सर ने ये बोला है कि जब न्यूज़पेपर में आता है आगे रिन्यूअल के लिए, अगर आप उस टाइम पे एक्शन लेते हैं तो हम इसको रुको। लक्सर में चुनावी भागदौड़ से निपटने के बाद प्रशासन ने स्वामित्व योजना पर दोबारा से काम शुरू कर दिया है। चुनाव के दौरान 2 महीने से योजना का काम ठप था। तहसीलदार मुकेश चंद्र रमोला ने लेखपालों की बैठकों को लेकर योजना के तीसरे चरण में अभी तक किए गए सर्वे की समीक्षा की है। उन्होंने मार्च के आखिरी सप्ताह तक सर्वे पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कालाढूंगी में आईसीआईसीआई फाउंडेशन जीवन स्प्रिंग के सहयोग से बाजपुर की 2 ग्राम सभाओं में निशुल्क आई कैंप का आयोजन किया गया। आईसीआईसीआई फाउंडेशन विजन स्प्रिंग के सहयोग से इस कैंप का आयोजन हुआ है। फाउंडेशन का कैंप लगाने का मुख्य उद्देश्य सही दृष्टि सफल जिंदगी को सार्थक करना है। इस दौरान कई ग्रामीणों की आंखों का निःशुल्क जांच कर चश्मे भी दिए गए। विजन स्प्रिंग ये कार्य 3 बड़े क्षेत्रों में कर रहा है। स्कूल के बच्चों के लिए जो लोग काम करते हैं, जो वर्किंग कम्युनिटी है हमारी, जैसे कि हमारे वीवर्स हो गए, उन कम्युनिटीज़ में भी विजन स्प्रिंग काम कर रहा है। और विजन स्प्रिंग एक और कैंपेन कर रहे हैं सी टू बी सेफ, जो ज़्यादातर हमारे ड्राइवर्स के लिए भी है, ताकि उनको साफ दृष्टि मिल सके और वो अच्छे से ड्राइव कर सके, एक्सीडेंट्स अवॉइड कर सके। तो विजन स्प्रिंग का ये मिशन है, ये विजन है और इस बार विजन स्प्रिंग ने कोलैबोरेट किया है आईसीआईसीआई फाउंडेशन के साथ। थैंक यू। आईसीआईसीआई फाउंडेशन और विजन स्प्रिंग के जॉइंट कोलैबोरेशन से निःशुल्क आई कैंप का कल यहाँ पे शुभारंभ हुआ है और यहाँ पे हम लोगों ने 2 ग्राम पंचायतों में ये निःशुल्क कैंप शुरू रखा है पहले चरण में, जिसमें कि ग्राम पंचायत बन्नाखेड़ा सानी में 117 लोगों का निःशुल्क जांच शिविर हो चुकी है और जांच के उपरांत जो है जिन व्यक्तियों को चश्मे की ज़रूरत है तो ये विजन स्प्रिंग द्वारा और आईसीसी फाउंडेशन के जॉइंट कोलाब्रेशन से उनको एक बहुत ही मामूली चार्ज पर उनको चश्मा भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि उनकी जो है दृष्टि जो है थोड़ा सा ठीक हो सके। आस्था का प्रतीक माने जाने वाली कांवड़ यात्रा का आरंभ हो गया है। शिव भक्त बड़ी शुद्धता और पूरे विधि विधान से हरिद्वार से गंगा जल लेकर मंदिर के लिए निकल रहे हैं। कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए कांवड़िया कालाढूंगी से हरिद्वार के लिए रवाना हो गए हैं और पैदल चलकर 28 तारीख को शिव मंदिर पर गंगा जल लेकर पहुंचेंगे। 1 तारीख शिवरात्रि के दिन शिवलिंग में जल चढ़ाकर अपनी पवित्र यात्रा को सफल बनाएंगे। यहाँ पर से हम 15 लोग हरिद्वार कांवड़ यात्रा पर निकल रहे हैं, उसके बाद जब हम वहाँ से पैदल यात्रा करके निकलेंगे तो 28 तारीख को हम अपने पौराणिक सिद्ध स्थल भजने हल्दू में पहुँचेंगे। उसके बाद हम 1 तारीख को शिवरात्रि के शिवलिंग में जल चढ़ाकर हम अपनी इस कांवड़ यात्रा को पूरा करेंगे। विकास नगर पछुआ दून क्षेत्र में आए दिन यमुना नदी तट से खनन सामग्री की चोरी के मामले सामने आते रहते थे। इस बार विकास नगर के डाक पत्थर बैराज नावघाट ढकरानी ढालीपुर क्षेत्र में गढ़वाल मंडल द्वारा आवंटित खनन पट्टों पर खनन संचालकों की ओर से सरकार की राजस्व में बढ़ोतरी के लिए खनन सामग्री पर रेट तय किए गए हैं। पहले खनन सामग्री रवाना रेट 1,500 रुपये प्रति चक्कर ट्रैक्टर का था और ट्रक 3,300 रुपये प्रति चक्कर बेच रहे थे, लेकिन अब पट्टा संचालकों ने 900 रुपये प्रति ट्रैक्टर और
3,000 रुपए खनन सामग्री से लदे ट्रक पर प्रति राउंड रेट तय किया है। पूरे मामले में खनन से जुड़े व्यवसायों का कहना है कि रेट तय होने से सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी और खनन व्यवसायी भी इस रेट से खुश हैं। ये घाट खुला है 9 घाट पे, इनके 5 घाट खुले हैं पूरी नदी के, गढ़वाल मंडल गढ़वाल निगम के जो है घाट खुले हुए हैं। अब यहाँ पे काम हुआ था, पहले करते थे 1500 का रवाना, फिर 600 का, अब इन्होंने एक सार कर दिया सारा कि 900 रुपये का रवाना दे रहे हैं। अच्छा। कोई भी ट्रैक्टर गाड़ी बिना रवाने के नहीं निकल रहा है यहाँ से ना। अच्छा। अगर ये करते भी ऐसा कुछ है, गड़बड़ करते हैं, तो हम तो उस प्रशासन के पास भी जाएंगे, मीडिया के माध्यम से बात करेंगे। अभी तक तो फिलहाल ठीक है। यहाँ पर पहले 1500 और 600 रुपये का रवाना देते थे, पहले राउंड का 1500 का देते, दूसरे राउंड का 600 का, अब इन्होंने इक्वल करके 900 रुपये पर राउंड पर रवाना देते हैं। यहाँ पे 300 रुपये टन है रवाना, ट्रैक्टर का रवाना 900 रुपये पर राउंड का रवाना कटता है यहाँ पे। पहले भी ऐसे ही था, रवाना कटाते थे पहले, पर महंगा था रवाना, 1500 का रवाना था। अच्छा, अब कितना है? अब 900 कर दिया सबके लिए। लालकुआं से बरेली की तरफ गिट्टी लेकर जा रही मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आने से ही एक मादा हाथी की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर रेलवे के मुख्य यातायात निरीक्षक मोहन राम, नीतीश कुमार, एसके सुमन और तराई पूर्वी वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी संदीप कुमार, गैला रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी आरपी जोशी दलबल सहित पहुंचे और मामले में जांच के आदेश दे दिए। वहीं वन विभाग ने रेलवे विभाग पर मुकदमा दर्ज कर मादा हाथी का पोस्टमार्टम करवाया और बाद में उसे दफन कर दिया गया। आज सुबह की घटना है, कोई 4:30 बजे की जो है, जो बताया गया है घटना है, जिसमें एक मालगाड़ी थी और इनके अधिकारियों के अकॉर्डिंग जो है वो लगभग 35 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। तो एक फीमेल जो हाथी है जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल की अभी बताई जा रही है वेटनेरियंस द्वारा, तो ये हादसे में जो है इसकी डेथ हो गई है। ट्रेन और ट्रेन के ड्राइवर का जो है वो गलती है, क्योंकि उनको जो है नियंत्रण में सबको पता है और इनको ऑलरेडी हमने जो है इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि इस एरिया में जो है स्पीड को नियंत्रण रखा जाना है। उसके बावजूद भी अगर जो है ट्रेन को की स्पीड को नियंत्रण में नहीं रखा गया है, तो हमने इसमें जो है वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में केस काट दिया है एंड अकॉर्डिंगली जो है जो संबंधित है उनके खिलाफ जो है नियमानुसार जो भी है कार्रवाई होगी। खबर हरिद्वार से है, जहां पर कई दिनों से कई थाना क्षेत्रों में मनी ट्रांसफर से जुड़े लोगों से लूट की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन की तरफ से टीम गठित की गई। कार्रवाई करते हुए टीम ने 5 आरोपियों को पकड़ लिया है। पकड़े गए शातिरों के पास से कई मोटरसाइकिल, कार, तमंचे और कैश बरामद हुआ है। पूरे मामले में SP क्राइम मनोज कत्याल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। ट्रिपल मर्डर के मुकदमे हैं, आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं और बाकी जो अभियुक्त हैं उनके आपराधिक इतिहास की हम लोग जानकारी कर रहे हैं और इन सब लोगों की मुलाकात भी जेल में ही हुई, तो इन सभी लोगों के खिलाफ पुराने मुकदमे भी। इनसे 5 तमंचे मिले हैं और बाकी कई घटनाओं का सामान जैसे कैश बरामद हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, एक टिफिन बरामद हुआ है जहाँ पर ये सफल नहीं हुए थे, ये सब चीज़ें इनसे बरामद हुई। धनौरी क्षेत्र के जसवावाला गांव में गुलदार की दहशत खत्म हो गई है। गुलदार वन विभाग के पिंजरे से कैद हो गया है और जब ग्रामीणों ने गुलदार को देखा तो वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग ने करीब 20 दिन पहले गांव में पिंजरा लगाया था। गाँव के आसपास दहशत का माहौल बना हुआ था, जो कि अब खत्म हो गया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।